ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आओ जरा देखते हैं। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 1:1:1। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है आर रिटायर्ड, और पी और क्यू का फिर नया रेशियो भी दे रखा है हमें 3:2, और साथ में क्वेश्चन में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,60,000। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है 3/5, माइनस ओल्ड कितना है 1/3, एलसीएम आ गया 15, 9 - 5 दैट मींस 4/15। उसके बाद हम क्यू का निकालेंगे, क्यू कितना है 2/5, एलसीएम आ गया 15 बेटा, 6 - 5 दैट मींस 1/15, तो रेशियो आ गया 4:1। चलो भाई अब यहां पर रिटायर्ड कौन हो रहा है, आर, तो आर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। 3,60,000 पूरे फर्म की गुडविल है, आर का शेयर है 1/3, तो कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपए। आर का शेयर कितना आया 1,20,000 रुपए। अब यहां पर एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, तो एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। आर का शेयर कितना आया 1,20,000 रुपए, इसको किस रेशियो में शेयर करना है 4:1।